हाय फ्रेंड्स, आज आपका दोस्त एक नया व्लॉग बनाने के लिए अभी निकल पड़ा है। गाइस, हम लोग जा ही रहे थे कि रास्ते में जगन्नाथ रथ यात्रा देखने को मिली। गाइस, मेरे फेवरेट यूट्यूबर अंकित भाटिया ने सही कहा था कि मंजिल से ज़्यादा रास्तों का मज़ा है। और ये सारे पहाड़, ग्रीनरी और घर वगैरह देख के काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। तो आज वो कहानी सही मेरे को लगने लगी दोस्तों। गाइस, हम लोगों को रास्ते में बहुत छोटा सा वाटरफॉल दिख गया, तो हम लोग वहाँ पे थोड़ी देर रुक रहे हैं। हम लोग यहाँ पे थोड़ा रुके हैं ताकि दुकान में से हम लोग खाने के लिए कुछ सामान लेके जाते हैं और पीने के लिए पानी वगैरह। और गाइस, हमको सीधा जाना है इस रास्ते से। गाइस, यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन नज़ारा देखने को मिला। बहुत छोटी सी बच्ची है, यह ट्रैक्टर चला रही है। यस फ्रेंड्स, हम लोग जहाँ पे पहुँचने वाले थे उस एरिया में अभी पहुँच चुके हैं। गाइस, मेरे सभी दोस्त अच्छे अच्छे नज़ारों का आनंद ले रहे हैं। काफ़ी व्यस्त लग रहे हैं अभी नज़ारों का आनंद लेने के लिए। एक और बात मेरे को याद आई कि यहाँ पे फ़ोटोशूट करने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है और प्री वेडिंग करने के लिए भी बहुत ही बढ़िया जगह है, तो यहाँ पे आप आ सकते हो।
यहाँ पे हम लोगों को वन ट्री हिल तक पहुँचने के लिए थोड़ी सी चढ़ाई करनी पड़ेगी। गाइस वन ट्री हिल वेरना जिरवल विलेज में आता है और तालुका कपराड़ा और डिस्ट्रिक्ट पड़ जाता है वलसाड़, और यह गुजरात में पड़ता है। और गाइस यहाँ पे आप लोगों को आने के लिए पहले वापी रेलवे स्टेशन पे आना पड़ेगा, फिर बाद में आप लोग यहाँ पे पहुँचने के लिए टैक्सी या फिर अपने पर्सनल वाहन से आप आ सकते हो। वापी से आप आ रहे हो तो 32 किलोमीटर समथिंग आपको पड़ेगा, और सिलवासा से आप आओ तो सिलवासा से आप लोगों को 20 किलोमीटर समथिंग पड़ेगा।